गाइस कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। मैं लेके आ गया हूँ एक और गेम प्ले वीडियो जो कि आज रखे हैं विलेज में। तो ये काफ़ी मज़ेदार होने वाला है ये गेम प्ले, तो मज़ा तो भरपूर आने वाला है, तो देखते जाइए। थोड़ी बहुत लूट वगैरह की ज़रूरत थी, तो मेरे को इधर घंटा कुछ नहीं मिलता है। गन वगैरह तो बंदा ज़रूर मिल सका था, तो इसको तो छोड़ने वाले नहीं है अपन, क्योंकि आप सोच कह रहे हो कि नेते बंदे को क्या मार रहा है, पर ऐसा नहीं है ब्रो। ये पर इसमें भी एक दो मैच में भाई लगातार ऐसे ही मरता गया हूँ, जो कि मेरे पास कुछ गन नहीं थी, तो बंदों ने मेरे को भगा भगा के मारा है, तो इसीलिए मैंने इसको भी मारा था। तो कहीं ना कहीं तो कुछ निकलेगा। तो ये बंदा इधर क्लोजिंग कर रहा था, क्लोजन, तो इसको मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ, उधर ही रखता हूँ, क्योंकि इधर आ गया तो भाई मेरे पास लूट भी नहीं है, तो ये घर भी इससे मेरी लूट ले जाएगा, तो इसीलिए मैं उसको उधर ही रखता हूँ। मेरे लिए ठीक ठाक रहता है उधर रहना उसका, तो आगे जाके मेरे को S12 की मिलने वाली है, तो M16 चलाने वाले हैं अपन, क्योंकि M16 भाई ये UG भाई ज़्यादा लॉन्ग रेंज में नहीं चलती है, मेरे को पता है इसका कुछ खास नहीं है, एक्सटेंडर भी नहीं है UG का अपने पास। तो इधर हेल्थ किट वगैरह लूट वूट करके भाई उधर साइड से कुछ बॉट लड़ रहे हैं पीछे की साइड, तो उनको इग्नोर करते हैं, सामने की साइड भाई मुक्के के चल रहे हैं। देखो भाई उसमें पुलिस नोटिस करो, आप मुक्के से किसी ने मार दिया किसी को, तो ये उधर उसको लूट रहा था, तो अपन ने इसको भी टपाटप कर दिया। बॉट पे भाई मुक्का फायर चल रहा है, तो कोई ना भाई इनको भी ख़त्म कर देते हैं। तो भाई एक मौका है, तो सच्चा मौका नहीं मिलने वाला है रस करने का मेरे पास। तो ये बॉट देखो भाई, मैं बॉट को नेक भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि भाई बॉट की बॉट भी मेरे में बॉट से चक्कर भाई 4-5 बार मर चुका हूँ। तो कोई ना, इधर सामने है पूरे बंद समाप्त हो चुके हैं, तो किसी के पास बॉट के पास गन थी, सिर्फ बंदे के पास सिर्फ एक थोड़े बहुत वेपन थे जो कि उससे लड़के मर जाते हैं। तो ये बॉट ने काफ़ी मेरा हेल्थ लो किया, तो मैं इनको फिनिश कर देता हूँ, तो अपने इधर बॉट के काफ़ी सारे किल हो जाएंगे। तो आप भाई कमेंट सेक्शन में कोई नोब मत बोलना यार, क्योंकि भाई बॉट आ रहे थे, उनकी वजह से मैं मरता मरता बचा था। अगर इन बंदों के हाथ में कोई गन वगैरह होती तो मेरे को इजीली मार देती थी, क्योंकि मेरा हेल्थ लो कर दिया था बॉट ने। तो कोई ना, अगर हमारे सामने भी कुछ हमारे पूर्वज लड़ रहे हैं, जो कि एक आधा को थोड़ा बहुत डैमेज था वो मैं नॉक कर देता हूँ, पर एक आधा एमओ पड़ता है उसके हेड पे। हम पीछे एक और बॉट आ चुका था, तो अब इधर से अपनी काउंटिंग खत्म हो जाती है बॉट की, मारने की चिंता ना करो, अब नहीं मारूंगा मैं। तो उन बॉट को मारने के बाद अपन आ जाते हैं इस साइड, तभी तो वीडियो बन, क्योंकि और बंदों की तलाश करने के लिए भाई क्या ही करे बंदे, तो मिलने ही मुश्किल है। पर बहुत घुमाने के बाद मैं जाता हूँ ड्रॉप के पास, क्योंकि शायद से मेरे को भूले भटके कोई टीम मिल जाए धोखे से, तो मेरा KD वगैरह मेंटेन हो सकता। तो इधर भाई मेरी सस्ती ड्राइविंग है, क्योंकि आप इग्नोर मार देना इस ड्राइविंग को। तो मैं जैसे ही भाई ड्रॉप के पास लूटने के लिए पहुंचता हूँ, वैसे भाई मेरे को गाड़ी का साउंड आता है कि मेरे पीछे गाड़ी आ चुकी है। तो मैं जैसे ही भाई गाड़ी कवर में लगाता हूँ, पहले मैं थोड़ा बैकअप मारता हूँ, पीछे की साइड भागता हूँ, क्योंकि सामने से भाई दो बंदों के साथ उलझना काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि मैं तो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता हूँ, जो कि पीछे की साइड आता हूँ मैं। थोड़ी ना पीछे आ जाओ ना जल्दी, थोड़ा बहुत घूम के आता हूँ, क्योंकि भाई पीछे से वो एक साइड से आ रहे हो तो मेरे को लपेट के चलते बने, ऐसा नहीं होता है भाई। ये ग्रेनेड करते हैं, कुक करके डालूँगा मैं, जो कि फुटस्टेप साइड से आ रहे थे थोड़े से, तो फिर कुछ खास नहीं होने वाला है। बदले में भाई वो बंदे भी ग्रेनेड वगैरह का इस्तेमाल करने वाले हैं, एकदम ऐसे बंदे नहीं हैं डायरेक्टर से मारते हैं। मेरे को पिन खींचने की साउंड आई थी, तो मैं थोड़ा पीछे साइड आ जाता हूँ, क्योंकि जो कि साइड ग्रेनेड आ नहीं सकता इतने आसानी से, तो फिर उनको छोड़ देते हैं। तो जैसे ग्रेनेड फटा तो बंदे नीचे हमारे रस मार देते हैं, क्योंकि पता ही नहीं क्या ही कर रहे थे, आ रहे थे जा रहे थे भाई, फिर आया फिर गया, पता ही नहीं कौन सी टीम चल रही है, कौन सी ख्यालों में खोए हुए हैं। जैसे भाई इसका टीममेट आता है तो ये उससे भी बड़ा वाला निकलता है, क्योंकि पीछे ही देख रहा था। तो कोई ना भाई, ये दो नशेड़ियों को मारने के बाद अपन निकल आते हैं इस साइड, जो कि रेड जोन वगैरह था, थोड़ा बहुत यार डैमेज जाता हूँ कई बार, रेड जोन से ही मर पाता हूँ। तो भाई यार गेम प्ले बनाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, थोड़ा पिन वगैरह भी हाई आ रहा है। तो इधर पलट पलट के भाई गाड़ी मेरा मैं लेके जाता हूँ आगे की साइड, शायद से कोई
जापू आ रहे घूम घूम के घूमने वाला हूँ बंदूक के दो दिन ना घूमता मैं को रह जा बस चिकन चलाने के बाद 20 किलो हो जा जा मजा आ जा आपके पास मैं कुछ उम्मीद नहीं था तो मारी ना साइज से कोई बंदा वगैरह शायद निकल जाए धोखे से अब मिला ही नहीं बंदा देखा है खत्म पर ऐसा होता भी है भाई इधर बंदे होने वाली एक टीम है पहले से कब्जा किए हुए ड्रॉप पे बंदे को पता ही नहीं क्या खा के आया था क्योंकि इसके मैंने 3-4 शॉट गन दी फिर कुछ हुआ नहीं इसे फिर भाई इसमें चाबी ऐड दी थी किसी से किसी ने इसमें तो साला गन पीछे करके इतना पागल से भाग रहा था कि आज तो मैं भाग ही जाऊँगा इसको भी मार देते हैं कि कितना खाएगा मैं भी देखता हूँ तेरे को तो भाई मेरे M4 ले लेता हूँ जैसे भाई मेरे पास फायरिंग आती है फिर पुष्टि भी आने लगती है क्योंकि सामने छत पे है ऊपर तो ये ग्रेनेड कोक करके डालूँगा मैं ऊपर की साइड साइड से कुछ चमककार हो जाए पर ऐसा नहीं होता है अरे यार वरना नीचे की साइड से जा चुका था पर मैंने ध्यान नहीं दे पाया था यार उस टाइम फिर अचानक से मेरे को फुटस्टेप इधर से आने लगे तो मैं कंफ्यूज हो रहा था कि बंदा इस साइड कब आया तो मैं इस फुटस्टेप को इग्नोर मारता हूँ मैंने सोचा बॉल के होंगे साइड से तो इधर ऊपर बंदा साइड से कैंपिंग कर रहा है ऊपर टीवी पे ले रहा है तो मैं सीधा इधर ही कैंप वगैरह करके चलता हूँ तो भाई जैसे पीछे से कोई फायरिंग करता है तो मेरा फट जाता है तो फिर अचानक ग्रेनेड डालने लगता है ये बंदा पता ही नहीं कौन सी नशे में है उसको मार देते जो ग्रेनेड इसका तो ख़राब हो गया बम डाल लो टाइम क्योंकि फिर मैं सोचता हूँ ये दूसरा बंदा तो नहीं है शायद से इस घर में भी चेक मार लेता हूँ एक बार तो भाई थोड़ी देर पर मैंने नोटिस किया था कि शायद नीचे की साइड से फायरिंग आई थी तो बंदा इस साइड रुक चुका होगा शायद मेरे हिसाब से तो स्पीड के पीछे तो मैं थोड़ा ग्रेनेड वगैरह इस्तेमाल करता हूँ पर कुछ होता नहीं है बंदे था ही नहीं रियल में उधर उस साइड देख नहीं रहा यार थोड़ा बूस्ट वगैरह लगा लेता हूँ जो कि बंदे की साउंड तो उस साइड से आए थे ब्रो 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 तो अचानक से वो बंदा दिख भी जाता है तो मैं थोड़ा बहुत डैमेज दे देता हूँ पर उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है पर मेरा फ़ोन भी यार थोड़ा बहुत अटक रहा है जैसे भाई मैं ग्रेनेड का पिन खींचता हूँ वो क्रॉसिंग कर देता है तो मैंने सोचा नहीं था यार ऐसे क्रॉसिंग करेगा ये तो भाई मैं इसको डैमेज वगैरह नहीं दे पाता हूँ थोड़ा सा भी यार क्या करूँ तो कुछ नहीं वही करेंगे जो सब करते हैं इस बंदे को ही रस मानना पड़ेगा बदले में ये बंदे तो रस मानने वाला है ही नहीं क्योंकि मेरे को लग रहा था ये एकदम बंदा रस नहीं मारेगा मेरे ऊपर तो मेरे को ही जो कुछ करना है मेरे को ही करना पड़ेगा मेरे को तो पता था पर मैं थोड़ा बहुत यार घूम फिर के जा रहा था नीचे तो मैं चला जाता हूँ मेरे को तो पता था बंदा इधर है पर आखिरकार भाई ये बंदा बच मारने से नहीं बच जाता हूँ मैं थोड़ा सा पर भाई आपको शॉट गन से बचना हो तो आप थोड़ा बैठ के मतलब फायरिंग करना तो आपको शॉट गन इतनी कम लगेगी मैंने कई बार नोटिस किया है मैं भी मरा हूँ शॉट गन लेके ऐसे कभी कभी बैठ जाते ना तो पता नहीं हेड वगैरह कम दिखता है तो इस कारण से शॉट गन से इसे एम नहीं लगा पाता है कोई तो आप भी ऐसा कर सकते हो शॉट गन किसी के सामने है बंदे पे बड़े खतरनाक लग रहे हैं कोई ना इस बंदे को ही फेस मार लग रहा है हमारे दो बंदे बचते हैं क्योंकि हम यदि सोच रहे होंगे कि टीम होने वाली है पूरी जो कि ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं होने वाला है तब बन जाते बंदे की कैंपिंग चलती है देखते जाइए आप कैसी गंदी कैंपिंग होगी चलता है अब मेरे सामने एक बंदा दिखा था बॉट मैंने सोचा इससे क्या मारूँ देखता हूँ आसपास भी बंदा है तो इसे कैंपिंग चल रही थी जो ये बॉट को मार देता है कैंप से तो भाई मैं जैसे ही रन को करता हूँ कैसे ही मार लिया तो ये इसको तो मार देते हैं फिलहाल कर लेते चिकन मिलते कैसे धमाकेदार वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय भाई जो लोग नए इस चैनल पर सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी करते जाना तो मिलते हैं अगले किसी धमाकेदार वीडियो के साथ साथ तब तक के लिए बाय बाय।